को पोलियो लगा, एक बार में पोलियो हुआ और एक हाथ में पोलियो था और वो बच्चा एक बार घूमने जा रहा था, अचानक वो रेलवे ट्रैक पर गिरा और उसका एक हाथ कट गया। पहले ही उसकी बॉडी में बड़ी प्रॉब्लम थी, पोलियो उसको हुआ हुआ था, एक पैर भी उसका पोलियो से था, लेकिन उसके मन में वो सपना था कि मुझे मेरी लाइफ में एक जूडो कराटे प्लेयर बनना है, जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना है। और वो अपनी माँ के बारे में कहता था कि माँ, मैं जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं बहुत बड़ी पैसा कमाना चाहता हूँ। जो व्यक्ति इस बात को ध्यान से समझेगा कि वो बच्चा जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना चाहता था लेकिन बचपन से ही उसकी माँ उसको कहती थी कि बड़ा हो जाएगा तब तक जूडो कराटे जरूर करेगा, लेकिन माँ अपने मन में जानती थी कि ये बच्चा कभी भी जूडो कराटे नहीं खेल सकता क्योंकि एक हालत नहीं है और फिजिकली पोलियो उसको हुआ हुआ और एक पैर उसका था, लेकिन बच्चा बार बार क्रीड़ा से जीत करता था कि मैं जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगा और माँ से जिद करने लगा कि मैं जूडो कराटे खेलना चाहता हूँ, मैं जूडो कराटे खेलना चाहता हूँ। तो एक दिन माँ ने कहा कि चलिए तुझे हमारे जोन के सभी जूडो कराटे के गुरु से मिलवाते हैं और वही तुझे बताएंगे तो लाइफ में जूडो कराटे नहीं सीख सकता। और वो बच्चा जब एक गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा कि आप इस बच्चे को जूडो कराटे सीखना चाहते हैं लेकिन वास्तविकता में बच्चा जूडो कराटे खेलने के लिए सक्षम नहीं है। जब ऐसा उस माँ ने कहा, उस गुरु ने कहा, तो माँ ने अपने मन में एक विचार बना लिया कि जूडो कराटे नहीं सीख सकता। बच्चा फिर भी नहीं माना, जिद करता रहा कि मुझे जूडो कराटे सीखना है। धीरे 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 अपने राज्य के सभी जूडो कराटे एक्सपर्ट से गुरुओं से मिलने लगा और जब सभी गुरुओं से मिलने लगा तो सभी ने कहा जूडो कराटे आप नहीं सीख सकते, लेकिन उसके मन में वो चाहती कि मुझे जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना है। उसको दूसरे राज्य में गया और वहां जाकर एक गुरु से कहा कि मैं जूडो कराटे सीखना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जूडो कराटे जरूर सीखूँ, लेकिन ध्यान रखियो पूरी ट्रेनिंग में जैसा मैं तुझे सिखाऊंगा, जैसा मैं तुझे बताऊंगा, वैसा ही हमेशा तुझे फॉलो करना होगा। और उस बच्चे ने ठीक वैसा ही किया। गुरु ने कहा कि जब मैं तुझे जूडो कराटे सिखाऊंगा तो जो भी चीज तुझे बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस तुझे लगातार करनी होगी। गुरु ने कहा कि चलो खड़े हो जाओ और दीवार का सहारा लेकर जो पैर पोलियो वाला पैर है इससे किक मारना शुरू करो। और उस बच्चे ने प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसने किक मारना शुरू किया। उस बच्चे के मन में एक सपना था कि मुझे जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना है और इसीलिए वो अपने गुरु का अनुकरण करने लगा। वो बच्चा जो पोलियो से हैंडीकैप था और एक हाथ कटा हुआ था, जब वो जूडो कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने देखा कि उसी के ग्रुप के बाकी बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक उसी समय पर एक दूसरे बच्चे के ग्रुप भी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन गुरु ने क्या कहा था कि आप दीवार के सहारे खड़े हो जाओ और एक पैर को रखकर एक पैर से किक बॉक्सिंग करना शुरू किया। उसने देखा, बच्चे ने देखा कि गुरु ने दूसरे ग्रुप को यही प्रैक्टिस कराई, लेकिन एक हफ्ते बाद उनको कहा तो आप राइट लेग से प्रैक्टिस करना शुरू किया। ठीक उस बच्चे ने दोबारा पूछा कि गुरु जी, आपने मुझे कहा था कि लेफ्ट पैर से किक मारना शुरू करो और ये राइट पैर से मार रहे हैं, मेरा नंबर क्या? तो गुरु ने फिर दोबारा कहा कि दोबारा से आपको प्रैक्टिस करनी है लेकिन लेफ्ट पैर से किक मारना शुरू करो। उसने देखा अगले हफ्ते बाकी बच्चों को कहा गया कि अब किक नहीं मारनी, अब बॉक्सिंग कर रही है लेफ्ट पंच, फिर अगले हफ्ते राइट पंच। और जब उस बच्चे ने दोबारा पूछा कि गुरु जी मुझे क्या करना है, तो गुरु ने फिर से कहा आपको खड़े होकर लेफ्ट पंच से बॉक्सिंग किक मारनी। वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और जब फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसके मन में विचार आया कि शायद गुरु मुझे वो नहीं सिखाना चाहते जो बाकी बच्चों को सिखाना चाहते। और बच्चे ने जब गुरु जी से कहा तो गुरु ने कहा कि मेरे बताए गए पद चिन्हों को फॉलो कर तभी तू जीवन में सफलता हासिल कर। और एक दिन स्टेट कॉम्पिटिशन हुआ और जब स्टेट कॉम्पिटिशन हुआ तो सभी राज्यों से वहां पर बच्चे आए और जब बहुत सारे बच्चे वहां पर आए तो कॉम्पिटिशन में गुरु ने एक एक करके अपने स्टूडेंट्स को ताना शुरू की। एक स्टूडेंट गया नॉकआउट, दूसरा स्टूडेंट गया नॉकआउट, तीसरा स्टूडेंट गया नॉकआउट और लगभग टीम के बहुत सारे बच्चे आए। अभी गुरु ने कहा कि हमारा एक चैंपियन अभी बाकी है और उस बच्चे को बुलाया गया जो फिजिकली डिसेबल था, एक हाथ कटा हुआ था, पोलियो हुआ हुआ था। और जब वो बच्चा स्टेज की तरफ आने लगा, रिंग में आने लगा, तब सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे कि इसके सारे प्लेयर तो फेल हो गए, अभी ये फिजिकली डिसेबल बच्चे को यहाँ पर लेकर आए।
और फिजिकली डिसेबल बच्चा जब रिंग में चला और जैसे ही आप रिंग का 1 2 3 स्टॉप जैसे उसने कहा स्टॉप तो पोलियो वाला बच्चा एक बर्ड था केवल एक ही काम के लिए उसने फटाफट के अपना लेफ्ट पर उठा लिया हर ओपोनेंट के तबाह के घुमा के मारा हर ओपोनेंट फिर उसने कहा कि ये कॉम्पिटिशन में चीटिंग है कि जैसे ही प्लेयर तैयार नहीं हुआ उसने अटैक कर दिया तो उन्होंने कहा अपने चैंपियन को बुलाओ किसी दूसरे चैंपियन को बुलाया गया जैसे ही ने कहा 1 2 3 स्टार्ट उसने फिर एक बार पैर उठाया और दबा के उसके पैर मारा और वो नॉकआउट हो गया और वो बच्चा स्टेट लेवल पर चैंपियन जब उस गुरु को स्टेज पर बुला के पूछा गया ऐसा क्यों हुआ कि सभी बच्चों में से एक ये फिजिकल डिसेबल बच्चा स्टेट चैंपियन बना जबकि इसका एक हाथ भी तो गुरु ने बताया मुझे पहले से ही पता था कि गेम में हर प्लेयर ऑलराउंडर होता है लेफ्ट किक राइट किक लेफ्ट पंच राइट पंच राउंड पंच हर तरह के पंच मारने के लिए तैयार होता है लेकिन ये बच्चा एक फिजिकल डिसेबल है तो उसने 100% पावर अपने उस लेग पर लगाई जो फिजिकली डिसलेक्ट है वो डिसेबल है इसकी वजह से उसका लेग खराब तो है लेकिन सबसे ज्यादा लचीला है जितनी देर में व्यक्ति सोच पाता है उतनी देर में पोलियो को पैर से घुमा के उसको नॉकआउट कर देता है और गुरु ने वहां खड़े होकर बताया कि मैं गेम का एक रूल आपको और बताता हूँ जब एक प्लेयर लेफ्ट पैर राइट पैर को नीचे रखकर और लेफ्ट पैर घुमाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हाथ ऐसे करता है और सामने वाला ओपोनेंट उस हाथ को पकड़ कर नीचे खींचता है और राइट को मारता है लेकिन ये बच्चा कभी नहीं आ सकता क्योंकि उसका लेफ्ट हाथ है ही नहीं